हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से लेके आ गया हूँ एक कमाल का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पास है नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 2 बज स्मार्ट वॉच। ये ब्लूटूथ कॉलिंग वाला स्मार्ट वॉच है, तो हम लोग इसको अनबॉक्स करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं और बताने वाले हैं ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर कैसे काम कर रहा है, कैसे आप लोग बात कर सकते हैं, कैसे आप लोग कॉल पिकअप कर सकते हैं, कैसे कॉल कट कर सकते हैं, सारी चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो यदि आप लोग इस स्मार्ट वॉच के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक जो दिखेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं देख रिव्यू चैनल। तो चलो 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 चालू करते हैं। तो ये देखते हैं, हम लोग पास अमेजोन के पैकेट के अंदर स्मार्ट वॉच आ गया है, क्योंकि हम लोग इसको अमेजोन से ऑर्डर किए हैं। इसको हम लोग जल्दी से कट करते हैं और प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेते हैं। तो इस पर आप लोग देखते हैं एक प्लास्टिक प्रोटेक्शन दिया गया है, इसको भी हम लोग जल्दी से कट करते हैं और प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। तो ये हम लोग पास कुछ इस टाइप का बॉक्स आ गया है, जो कि सामने से कुछ इस टाइप का लुक मिल रहा है। नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 2 बस का आप लोग ब्रांडिंग दिया गया है और इधर पर आप लोग देखते हैं कॉलिंग स्मार्ट वॉच लिखा गया है। पीछे का तरफ देख सकते हैं आप लोगों को कुछ हाईलाइटेड फीचर्स दिया गया है, जिसको चाहें तो आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं सारा फीचर्स के बारे में इन डिटेल्स बात भी करूंगा। बॉक्स को ओपन करते हैं और सारा चीज़ को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये छोटा सा बॉक्स आ गया, इसके अंदर आप लोग देखते हैं कुछ स्टिकर दिया गया है, एक वारंटी कार्ड दिया गया है और आप लोग को यूज़र मैनुअल दिया गया है। सारा चीज़ को रखते हैं हम लोग साइड में और ये देखते हैं हम लोग पास आ गया है चार्जिंग केबल, जो कि मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है, जो कि आप लोग देखते हैं कुछ इस टाइप का आप लोग को दिया गया है। तो ये आप लोग मैग्नेटिक डॉक टाइप का है, इसको हम लोग कनेक्ट करके चार्ज भी करेंगे। इसको भी रखते हैं हम लोग साइड में और चलते हैं अपने स्मार्ट वॉच के ऊपर। ये देखते हैं हम लोग पास स्मार्ट वॉच आ गया, जो कि आप लोग देखते हैं कुछ इस टाइप का लुक दिया गया है। इस तरफ आप लोग नॉइस का ब्रांडिंग मिल जा रहा है और यहाँ पे आप लोग इस टाइप का बेल्ट दिया गया है, यानी कि स्ट्राइप्स दिया गया है। इसको हम लोग खोलते हैं तो देख सकते हैं काफ़ी फ्लेक्सिबल, काफ़ी सॉफ्ट है, आप लोग को स्ट्राइप्स मिल जा रहा है। ये चेंजेबल स्ट्राइप से यहाँ से आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। पीछे की तरफ आप लोग सारा सेंसर दिया गया है और यहाँ पे आप लोग चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। स्ट्राइप्स अच्छे क्वालिटी का लग रहा है और आप लोगों को इसका जो बॉडी मिल रहा है वो प्लास्टिक का मिल रहा है। तो चलिए जल्दी से हम इसको ऑन करते हैं और जैसे ही आप लोग ऑन कीजिएगा तो आप लोग नॉइस का ब्रांडिंग मिल जाएगा, उसके बाद आप लोगों को एक QR कोड मिलेगा, उसको आप लोगों को स्कैन करना है। स्कैन करके आप लोग को ऐप डाउनलोड कर लेना है या फिर आप लोग डायरेक्टली जा सकते हैं प्ले स्टोर पर और आप लोग को नॉइस फिट बोल के एक ऐप होगा, उसको आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को लॉगिन या साइनअप कर लेना है। साइनअप करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा स्कैन का ऑप्शन आ जाएगा। स्कैन कीजिएगा तो आप लोगों को स्मार्ट वॉच का नाम आ जाएगा, जो कि है कलर फिट अल्ट्रा 2 बज, जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, और आप लोग क्लिक करके पेयर कर लेना है। पेयर करने के बाद आप लोगों को परमिशन दे देना पड़ेगा, यदि आप लोग नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहते हैं या SMS रिसीव करना चाहते हैं तो वो सब परमिशन दे देना पड़ेगा। यदि आप लोग कॉल करना चाहते हैं तो उसका भी आप लोग कॉल का परमिशन दे देना पड़ेगा। सारा आप लोग सेटिंग में जाइए, आप लोग SMS का, नोटिफिकेशन का, कॉल का, ये सब का आप लोग परमिशन दे सकते हैं। सारा परमिशन आप लोग को यहाँ पे दे देना पड़ेगा, तब जाके आप लोग सारा फीचर सब काम करेगा। अब हम लोग ऐप के ऊपर बाद में जाते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने स्मार्ट वॉच पे आते हैं और देखते हैं क्या क्या फीचर सब दिया गया है। यदि आप लोग ऊपर की तरफ स्लाइड कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग नोटिफिकेशन मिलेगा, जो भी आप लोग नोटिफिकेशन रहेगा वो यहाँ पर आप लोग दिखेगा। और नीचे की तरफ स्लाइड करते हैं तो यहाँ पर आप लोग कुछ क्विक फीचर सब दिया गया है, जिसमें आप लोग देखते हैं यहाँ पर आप लोग साइलेंट कर सकते हैं और यहाँ पर यदि आप लोग फोन सर्च करना है तो फोन को आप लोग रिंग कर सकते हैं। फिर आप लोग यहाँ पे ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं 1 to 5 तक, और उसके बाद आप लोग DND एक्टिवेटर ऑफ कर सकते हैं, और फिर आप लोग पावर सेविंग मोड में भी जा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग लो पावर मोड है और उसके बाद आप लोगों को सेटिंग मिल जा रहा है, जहाँ पे आप लोग रेस टू वेक फीचर मिल जा रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे दिए आप लोग रेस करते हैं तो आप लोगों का डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। फिर आप लोग ब्राइटनेस है, फिर स्क्रीन टाइम आउट है, जो कि आप लोग 5 सेकेंड मिनिमम रख सकते हैं और ऑलवेज ऑन भी रख सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30 सेकेंड तक है। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिल जा रहा है, जहाँ पे आप लोग ऑन कर दीजिएगा तो आप लोग 2 डायलर मिल जा रहा है, एक पॉइंटर और एक डिजिटल। यदि आप लोग पॉइंटर को सिलेक्ट करते हैं तो कुछ इस टाइप का आप लोग डिस्प्ले आएगा, और यदि आप लोग डायलर को सिलेक्ट करते हैं तो कुछ इस टाइप का आप लोग डिस्प्ले आएगा। आप लोग को इसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिल जा रहा है। फिर यहाँ पे आप लोग को रिंग वाइब्रेशन का भी ऑप्शन मिल जा रहा है, यानी कि यदि आप लोग को रिंग होता है तो किस टाइप का आप लोग को वाइब्रेशन चाहिए, यहाँ से आप लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग साइलेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग को मेन्यू व्यू ऑप्शन मिल जा रहा है, जो कि आप लोग यदि ग्रिड रखना चाहते हैं या लिस्ट रखना चाहते हैं वो भी आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग नोटिफिकेशन कॉल फीचर्स वगैरह मिल जा रहा है, रीबूट मिल जा रहा है, पावर ऑफ मिल जा रहा है और रीसेट का ऑप्शन मिल जा रहा है। तो सारा फंक्शन सब आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। मेन मेन्यू में जाने के लिए आप लोगों को ये बटन को प्रेस करना पड़ेगा और आप लोग मेन मेन्यू पे आ जाइएगा। यहाँ पे आप लोग को नॉइज हेल्थ मिल जा रहा है, जहाँ पे आप लोग सारा कुछ मॉनिटर कर सकते हैं। फिर आप लोग को नॉइज बज मिल जा रहा है, जहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, जो कि यदि आप लोग ऐप के थ्रू कॉन्टैक्ट सेव करते हैं तो यहाँ पे आप लोग दिखेगा।
और यहाँ पे आप लोग कॉल हिस्ट्री मिल जा रहा है और आप लोग को डायल पैड भी मिल जा रहा है। यहाँ पे आप लोग नंबर टाइप करके आप लोग डायल कर सकते हैं, किसी को भी कॉल लगा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग सारा कॉलिंग फंक्शन मिल जा रहा है, तो यदि आप लोग कॉल करना चाहते हैं तो डायरेक्टली इस स्मार्ट वॉच के थ्रू आप लोग कॉल कर सकते हैं। और इधर पर आप लोग को क्लॉक मिल जा रहा है, वर्कआउट मोड मिल जा रहा है, जहाँ पर आप लोग जैसे काफ़ी सारा वर्कआउट मोड है जिसमें आप लोग सेलेक्ट करके आप लोग कुछ भी वर्कआउट कर सकते हैं। इस स्मार्ट वॉच के अंदर आप लोग 100+ वर्कआउट मोड मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग सिर्फ 10 ही दिख रहा है। और भी आप लोगों को ऐड करना है या रिमूव करना है तो आप लोग ऐप के थ्रू ऐड और रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग 10 ही दिख रहा है, लेकिन 100 से भी ज़्यादा वर्कआउट मोड सपोर्ट करता है। यहाँ पे आप लोग रिकॉर्ड मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं, म्यूजिक पॉज प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रैक प्रीवियस ट्रैक कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, सारा आप लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। वेदर मिल जा रहा है, यदि आपको वेदर देखना है तो यहाँ पर आप लोग को अलाउ कर देना पड़ेगा और यहाँ पर आप लोग वेदर दिखेगा। फिर आप लोग को वॉच फेस मिल जा रहा है, स्टॉक मिल जा रहा है और आप लोग को फ्लैश मिल रहा है, जिसको आप लोग ऑन करते हैं तो आप लोग स्क्रीन फुल ब्राइटनेस में जलेगा। ऑफ करने के लिए टैप कीजिए और बंद हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर टॉर्च भी मिल जा रहा है। फिर आप लोग को सेटिंग के अंदर काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। अब हम लोग इसका कॉलिंग फीचर को और भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग नॉइज़ बस के अंदर जाते हैं और यहाँ पर डायल पैड के अंदर 198 लिख के हम लोग डायल करते हैं, जो कि कस्टमर केयर का नंबर है। यहाँ पर हम लोग डायल हो जाएगा, डायल कर देते हैं। तो इस टाइप से आपको सुनाई देगा। तो कुछ इस टाइप से आप लोग डायल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका माइक और स्पीकर का साउंड सैंपल दिखा दे रहा हूँ। अब जो आप लोग साउंड सुन रहे हैं वो इसका माइक का सैंपल है, तो आप लोगों को कुछ इस टाइप का माइक क्वालिटी मिल रहा है। अभी जो आप लोग साउंड सुन रहे हैं वो इस स्मार्ट वॉच का स्पीकर से रिकॉर्ड किया गया है। यदि आप लोगों को कॉल आता है तो आप लोग यहाँ पे चार ऑप्शन मिल जाएगा। पहला आप लोगों को मिल जाएगा साइलेंट करने का, दूसरा आप लोगों को क्विक रिस्पांस करने का, जो कि आप लोग यहाँ पे कुछ मैसेज है जिसको आप लोग क्लिक करके क्विक रिस्पांस कर सकते हैं, तीसरा आप लोगों को मिल जाएगा कॉल कट करने का, और चौथा मिल जाएगा आप लोग कॉल पिकअप करने का। तो यहाँ पे आप लोग चार ऑप्शन मिल जा रहा है। आप लोग कॉल पिकअप करके यहाँ पे आप लोग बात कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लोग स्पीकर का साउंड इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब हम लोग इसके अंदर हार्ट रेट मॉनिटर करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग इतने रीडिंग ले रहे हैं, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग इसके अंदर ब्लड ऑक्सीजन भी ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग इतने ट्रैक हो रहा है, रीडिंग ले रहे हैं और यहाँ पे रिजल्ट आ गया है। और आप लोग स्ट्रेस भी ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग इसने रीडिंग ले रहे हैं और आप लोग यहाँ पे रिजल्ट आ गया है। तो थोड़ा देर टाइम लेता है और सारा आप लोग रीडिंग दे देते हैं। और आप लोग स्लीप ट्रैक करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे ट्रैक हो जाएगा। आप लोग कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो आप लोग यहाँ से रीड कर सकते हैं। आप लोग ऊपर से स्लाइड करना है और यहाँ पे आप लोग सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन छोटा सा प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग का यदि व्हाट्सअप में कोई मैसेज किया है उसमें कुछ इमोजी भी है, तो उसमें आप लोग देखिएगा यहाँ पे बॉक्स 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 बन जा रहा है। तो इमोजी सपोर्ट नहीं करता है नोटिफिकेशन के अंदर, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, जो कि देखने में ख़राब लगता है। तो नॉइज़ एक अपडेट ला के ये सब फिक्स कर सकता है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल इमोजी सपोर्ट नहीं करता है। जब कोई नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा जहाँ पे आप लोग मैसेज पढ़ सकते हैं। अब हम लोग नॉइज़ फिट ऐप के अंदर आ गए। यहाँ पे आप लोग देखते हैं सारा आप लोग को हेल्थ रिव्यू दिखेगा, कितना कैलोरी बर्न किए हैं, कितना आप लोग किलोमीटर चले हैं, कितना स्टेप चले हैं, सारा कुछ यहाँ पे आप लोग दिखेगा। और यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करके आप लोग सारा कुछ देख सकते हैं और सारा कुछ आप लोग ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को माई डिवाइस में जाना है। यहाँ पे आप लोग देखते हैं बैटरी परसेंटेज दिखेगा और आप लोगों को यहाँ पे कुछ अपडेट रहेगा तो वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को वॉच फेसेस दिख रहा है, जो कि आप लोग चाहें तो आप लोग चेंज कर सकते हैं। जो भी आप लोगों को डाउनलोड करना है उसको आप लोग क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप लोग डाउनलोड हो जाएगा और आप लोगों को वॉच फेस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग काफ़ी सारा वॉच फेस मिल जा रहा है, जो कि आप लोग चेंज कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन आप लोग सब इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग कॉल अलर्ट के लिए भी आप लोग ऑन कर सकते हैं। अलार्म सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को यदि वेदर चेक करना है तो यहाँ से आप लोग ऑन कर लेना पड़ेगा। यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड पे आप लोग जाके क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, एडिट करके आप लोग जो भी रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर सकते हैं, उसका सेव कर सकते हैं। और आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग नया कुछ भी आप लोग ऐड करना है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारा आप लोग स्पोर्ट्स मोड मिल जा रहा है, जो कि आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एक टाइम में आप लोग को मैक्सिमम 10 स्पोर्ट्स मोड स्मार्ट वॉच में दिखेगा। इसका कुछ हाईलाइटेड फीचर्स के बारे में बात करूँ तो इसमें आप लोग ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का मिल रहा है और इसमें आप लोग को IP68 का वाटर रेजिस्टेंस मिल जा रहा है, यानी कि यदि आप लोग थोड़ा बहुत स्वेट चला जाता है या पानी का छींटा चला जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं इसका डिस्प्ले के बारे में बात करूँ तो इसमें आप लोग को 1.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है। 500 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, तो आप लोग यदि आउटडोर में भी यूज़ करते हैं तो आप लोग कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं इसका चार्जिंग और बैटरी के बारे में बात करूँ तो आप लोग को इसमें मैग्नेटिक चार्जिंग मिल जा रहा है, जिसको आप लोग इसके करके अटैच करना है और ये चार्ज होना चालू हो जाएगा। इसमें आप लोग 290 mAh का बैटरी मिल जा रहा है, जो कि लगभग 2 घंटा में फुल चार्ज हो जाता है।
और लगभग 7 दिन का आप लोग बैकअप मिलेगा यदि आप लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं, और यदि आप लोग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज़ करते हैं या फिर आप स्पोर्ट्स मोड कॉलिंग फीचर जहाँ यूज़ करते हैं तो 3 से 4 दिन का आप लोगों को बैकअप देगा। अब मैं इसका प्राइस के बारे में बात करूं तो आप लोगों को ये अमेजोन में मिल जाएगा नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 2 बज, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3,499 रुपीज़ दाम है। अब लोग 3 कलर वेरिएंट में मिल जाता है, एक ग्रीन है, दूसरा ब्लैक है और तीसरा ब्राउन है। तो आप लोग 3 कलर वेरिएंट में मिल जाता है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और तीनों ही का दाम आप लोग को 3,499 रुपीज़ पड़ेगा। ये लॉन्च एक्सक्लूसिव प्राइस है, अभी लॉन्च हुआ है तो इसीलिए 3,499 रुपीज़ में मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग देखते हैं लाइटनिंग डील में मिल रहा है, रेगुलर प्राइस 500,000 रुपये ज़्यादा भी हो सकता है। बाद में यदि आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो 4,500 का भी दाम हो सकता है। अभी लॉन्च के टाइम में आप लोग 3,499 रुपये में मिल रहा है। यदि आप लोग परचेस करना है तो बेस्ट बाय लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग परचेस कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ओवरऑल ये स्मार्ट वॉच कैसा है? तो ओवरऑल ये स्मार्ट वॉच काफ़ी कमाल का है, 3,500 के लिए काफ़ी कमाल का स्मार्ट वॉच आ जा रहा है। इसमें आप लोग ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर भी मिल जा रहा है, आप लोग डायल करके कॉल भी कर सकते हैं, तो आप लोग ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर मिल जा रहा है। और आप लोग डिस्प्ले काफ़ी अच्छा मिल रहा है, एमोलेड डिस्प्ले है, आप लोग हेल्थ ट्रैक रख सकते हैं, तो आप लोग काफ़ी सारा फीचर्स मिल जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है 3,500 के प्राइस सेगमेंट में आप लोगों को ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर मिल जा रहा है। तो काफ़ी कमाल का ये स्मार्ट वॉच आ जा रहा है, आप लोगों को बेस्ट बाय लिंक हम इस तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।